YouTube पर आपने ऐसी रीडल्स वीडियोस या शॉर्ट्स तो जरूर देखे होंगे या तो लॉन्ग फॉर्म में आपने ऐसी वीडियोस देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कैटेगरी का क्रेज कितना ज्यादा है और ये कितनी पॉपुलर है? ऐसे रीडल्स शॉर्ट बहुत ही जल्दी वायरल होते हैं और लोगों को इन्हें देखने में भी बहुत मजा आता है। उनका नॉलेज तो बढ़ता ही है, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लेकिन लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ ये चैनल यूट्यूब पर अपना बहुत बड़ा नाम भी बना चुके हैं। आप ये चैनल देखिए, मोर देन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स और ये चैनल मोस्टली रिडल्स की वीडियोस ही बनाता है एक स्टोरी के फॉर्म में। इसमें स्पाई स्टोरीज, फनी स्टोरीज, ये सब कुछ होता है और इनकी हर वीडियो पर व्यूज मिलियंस में होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह इस कैटेगरी का बाप ये दूसरा चैनल। इस चैनल के बारे में तो शायद ही कोई भी आदमी यूट्यूब पर ना जानता हो, इतना ज्यादा पॉपुलर ये चैनल है और यहाँ पर भी अलग अलग रिडल वीडियोस कार्टून के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है और इनकी हर वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज तो जैसे हलवा है। यू कैन सी 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन इतने व्यूज आ रहे हैं तो कमाई का क्या। ये चैनल्स महीने के थाउजेंड ऑफ डॉलर्स भी कमा रहे हैं एज पर सोशल प्लेट, तो एंटरटेनमेंट के बदले अच्छा खासा पैसा, साउंड्स लाइक अ डील। तो क्या आप भी इसी तरह का एक रिडल चैनल बना सकते हैं बिना अपना चेहरा दिखाए और बिना अपनी आवाज के? जी हाँ बिल्कुल, ये सारे चैनल्स फेसलेस और वॉइसलेस दोनों हैं और आपको ऐसे रिडल चैनल बनाने के लिए चाहिए होगा बस एक सिंगल टूल जो है canva.com, जिसमें बल्क क्रिएट करके आप जितने चाहे उतने रिडल्स बना सकते हैं इन नो टाइम। तो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप के पूरी वीडियो देख लेना और वीडियो के एंड तक आपको इसमें एक्सपर्ट बनाना मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टेप वन, आपको चाहिए होगी रिडल्स। अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला ये कि आप चैट जीपीटी को बोलिए फनी रिडल्स देने के लिए, आंसर्स के साथ 100, 200, 1000 जितने रिडल्स आपको चाहिए आप यहाँ से उतने ले सकते हैं। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कॉपी कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप गूगल पर भी जाकर टाइप कर सकते हैं रिडल्स इन हिंदी और इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हैं, और आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी जहाँ से आप रिडल्स ले सकते हैं और उसे कॉपी करके एक डॉक में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारी रिडल्स एक वर्ड डॉक में पेस्ट करके रख लिए, आंसर्स के साथ एक टेबल फॉर्मेट में। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चलिए तो अब रिडल्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें इन रिडल वीडियोस के लिए चाहिए होगा एक अच्छा सा वॉइस ओवर। इसके लिए हम यूज करेंगे 11 लैब्स का। तो यहाँ पर आप अपनी सारी रिडल्स पेस्ट कर दीजिए और बीच बीच में आप यहाँ पर हाइफन ऐड कर दीजिए, जिससे कि वीडियो में प्रॉपर पॉज भी ऐड हो जाएगा बीच बीच में, क्योंकि हमें आगे इस पॉज की जरूरत भी पड़ने वाली है। तो पॉज ऐड जरूर कर लेना वॉइस ओवर जनरेट करने से पहले। और अगर आप 11 लैब से यूज करने वाले हैं तो आप ये वाली वॉइस यानी कि ये गिगी वाली आवाज यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा साउंड करती है रिडल वीडियोस में ये। और बस यहाँ से जनरेट करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और वॉइस ओवर का काम भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे सबसे मेन स्टेप की तरफ जो है canva.com। अब आपको canva पर आकर सबसे पहले क्रिएट अ डिजाइन में क्लिक करके वीडियो का साइज चूज करना है। मैं अभी आपको ये शॉर्ट्स में क्रिएट करना दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं मोबाइल वीडियो वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। ये इंस्टा और शॉर्ट्स दोनों के लिए काम आ जाएगा। अगर आप चाहें तो लॉन्ग वीडियो में भी ये बना सकते हैं, सेम प्रोसेस ही आपको फॉलो करनी है। अब सबसे पहले अपने डिजाइन में ऐड करना है हमें एक बैकग्राउंड। तो साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर सर्च कीजिए रिडल बैकग्राउंड और फिर यहाँ पर वर्टिकल वाला फिल्टर लगा लीजिए और फिर यहाँ से कोई भी एक वीडियो चूज करके इसे अपने डिजाइन में ऐड कर दीजिए और बैकग्राउंड सेट हो जाएगा एज यू कैन सी। अब फिर से यहाँ पर सर्च कीजिए चैट बबल और ग्राफिक्स में जाकर वर्टिकल वाला फिल्टर लगा के यहाँ से कोई भी एक बबल वाला बॉक्स ऐड कर दीजिए और फिर इस बॉक्स का साइज और पोजीशन स्क्रीन पर एडजस्ट कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग में क्लिक कीजिए और इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड कर लीजिए। इसमें आपको डालना है फर्स्ट रिडल, तो वर्ड डॉक से फर्स्ट वाला रिडल कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। अब फॉन्ट का साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट टाइप, ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब फिर से साइड बार में सर्च कीजिए थिंकिंग और यहाँ ग्राफिक्स में जाकर एनिमेटेड वाला फिल्टर लगा लीजिए और यहाँ से कोई भी एक थिंकिंग वाला एनिमेटेड ग्राफिक चूज कर लीजिए और उसे भी ऐड कर दीजिए और उसकी पोजीशन हम रखेंगे इस बॉक्स के जस्ट नीचे साइड की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए तो ये भी हो गया। अब फिर से साइड बार में एलिमेंट में सर्च कीजिए 5 सेकंड्स टाइमर और वीडियो में से कोई भी एक 5 सेकंड्स टाइमर चूज करके अपने डिजाइन में ऐड कर लीजिए। आप इस वीडियो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो, नहीं तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। और इस टाइमर वाले बॉक्स को आपको नीचे की तरफ ही सेट कर लेना है साइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इन सारे एलिमेंट्स में ऐड करने वाले हैं एनिमेशन। तो सबसे पहले ये चैट बॉक्स और टेक्स्ट को हम ग्रुप कर लेंगे और अब इस बॉक्स में क्लिक करके ऊपर एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक एनिमेशन स्टाइल आप चूज कर लीजिए और इसे हमें बस एंट्री पर ही एनिमेट करना है। ठीक इसी तरह फिर नीचे के दोनों एलिमेंट्स यानी कि ये नीचे थिंकिंग वाला ग्राफिक और टाइमर, इन दोनों में भी एनिमेशन ऐड कर लीजिए एक एक करके और इन दोनों को भी हमें बस एंट्री पर ही एनिमेट करना है। चलिए तो सब एनिमेशन हम ऐड कर चुके हैं। अब फिर से सर्च करेंगे शोइंग ब्लैंक बोर्ड और ग्राफिक्स में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया है और फिर इस ग्राफिक का साइज आप बड़ा कर दीजिए ऑलमोस्ट फुल पेज के जितना ही,
या उससे थोड़ा सा छोटा भी चलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस ब्लैंक बोर्ड के अंदर हमको टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें रिडल का आंसर। तो वर्ड डॉक से फर्स्ट रिडल वाला आंसर कॉपी कर लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फॉन्ट का साइज, फॉन्ट टाइप, कलर, ये सब अगेन आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। और फिर इस टेक्स्ट और बॉक्स को भी ग्रुप कर लेंगे और इसमें भी हम कोई भी एक एनिमेशन ऐड कर लेंगे और इसे भी हमें एंट्री पर ही एनिमेट करना है, एज यू कैन सी। चलिए, तो ये भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इन सारे एलिमेंट्स की टाइमिंग एडजस्ट करनी है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रोसेस का, तो ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन वाले बॉक्स में क्लिक करके शो टाइमिंग। और अब आपको यहाँ पर समझनी है एक इंपॉर्टेंट बात। अब क्योंकि हम इस वीडियो में वॉइस ओवर भी ऐड कर रहे हैं, तो आपको वॉइस ओवर की टाइमिंग का ध्यान रखते हुए ही इसकी टाइमिंग भी एडजस्ट करनी है। हालांकि आप चाहें तो बाद में भी मैनुअली वॉइस ओवर की टाइमिंग वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। या तो अभी ही कर लीजिए या तो बाद में मैनुअली भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो वॉइस ओवर बनाया है वो मैंने सुनकर देख लिया है, उसमें फर्स्ट 7 सेकंड्स में क्वेश्चन खत्म हो रहा है और उसके बाद हमें 5 सेकंड का टाइमर चलाना है और फाइनली उसके बाद आएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन हमें शो करना है फर्स्ट 12 सेकंड्स तक ही और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, बस इसका एंडिंग पॉइंट हम 12 सेकंड्स पर ले जाते हैं। ये दोनों ब्लू बॉक्सेस को आपको 12 सेकंड्स पर ले जाना है, तो दोनों मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है 12 सेकंड्स पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये थिंकिंग वाले ग्राफिक पर क्लिक करके शो टाइमिंग, और ये हम दिखाएंगे क्वेश्चन आने के 1 या 2 सेकंड के बाद। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम वैसे ही सेट कर लेंगे और इसका भी एंडिंग पॉइंट सेम क्वेश्चन वाले के जितना ही होगा, यानी कि 12 सेकंड्स पर। तो इसका एंडिंग पॉइंट भी वहीं पर ले जाएंगे। अब ये टाइमर को थोड़ा सा भी ऊपर कर देते हैं ताकि इसकी भी टाइमिंग हम प्रॉपरली अभी सेट कर पाएं। अब इसमें क्लिक करके शो टाइमिंग, और टाइमर का स्टार्टिंग पॉइंट हमें रखना है 7 सेकंड्स पर, क्योंकि वहां पर ही वॉइस ओवर क्वेश्चन का खत्म होगा। और एंडिंग पॉइंट इसका भी 12 सेकंड्स पर ही हमें रखना है, मतलब कि तीनों एलिमेंट्स की एंडिंग पॉइंट सेम 12 सेकंड्स पर ही होनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद फाइनली आंसर वाले बॉक्स पर क्लिक करके शो टाइमिंग, और ये शुरू होना चाहिए जब सारे एलिमेंट्स गायब हो जाए उसके जस्ट बाद, यानी कि 12 सेकंड्स या 12.1 सेकंड से। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पर सेट कर देंगे और इसका एंडिंग पॉइंट तो हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब सारे एलिमेंट्स की टाइमिंग भी सेट हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं साउंड इफेक्ट, जिससे कि ये वीडियो और भी इंगेजिंग बन जाएगी। तो सबसे पहले जहां पर क्वेश्चन आने वाला है, कर्सर को वहां पर ले जाएंगे और अब साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर सर्च करेंगे कॉर्क, और यहां से कोई भी एक साउंड इफेक्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद जहां पर ये थिंकिंग वाला ग्राफिक आने वाला है वहां पर कर्सर रखेंगे और दूसरा साउंड इफेक्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद जहां से टाइमर शुरू होने वाला है कर्सर वहां पर रखेंगे और यहां से एक टिकटॉक टाइमर वाला साउंड इफेक्ट ऐड कर देंगे, और इस साउंड इफेक्ट का एंडिंग पॉइंट भी हमें एडजस्ट कर देना है जहां पर टाइमर खत्म हो रहा है वहां पर। और फाइनली जहां पर आंसर आने वाला है वहां पर एक दूसरा लोगो असेंड वाला साउंड इफेक्ट ऐड कर देंगे, और अब सारे एलिमेंट्स में साउंड इफेक्ट्स भी ऐड हो चुके हैं। चलिए, तो अब आपको अपने डिजाइन में सारे एलिमेंट्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं और फिर उन्हें डिलीट कर देना है। सिर्फ बैकग्राउंड और साउंड इफेक्ट्स रहने देना है, बाकी सब कुछ डिलीट। और फिर इस फाइल को एज इट इज आपको डाउनलोड कर लेना है MP4 फॉर्मेट। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद अपने डिजाइन में आकर कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड प्रेस करना है और सारे एलिमेंट्स दोबारा आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे से एक एक करके सारे साउंड इफेक्ट्स आपको डिलीट कर देने हैं, और अब साइड बार में अपलोड्स में जाकर जो डाउनलोडेड वाली फाइल है उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है, और अपलोड हो जाने के बाद उसे अपने डिजाइन में ले जाके बैकग्राउंड में वापस सेट कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ध्यान रखना है ये प्रॉपर बैकग्राउंड में ही सेट होनी चाहिए फाइल। अगर प्ले करने पर साउंड आ रहा है, मतलब प्रॉपर सेट हो चुकी है। चलिए, तो अब आता है क्लाइमैक्स। अब हम करेंगे बल्क क्रिएट। तो सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को आपको वापस से अनग्रुप कर देना है, और अब साइड बार में बल्क क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर कैनवा प्रो लेना चाहते हो 90% डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ 399 में 1 साल के लिए, तो जिनको भी चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिमिटेड स्पॉट्स ही अवेलेबल है, तो जल्दी से आप जाकर अपना स्पॉट बुक कर सकते हैं। इसके बाद एंटर डेटा मैनुअली वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इस टेबल में नीचे आकर क्लियर टेबल कर देंगे। अब हमें पूरा डेटा अपने डॉक से ऊपर से नीचे तक कॉपी करना है और यहाँ पर इस टेबल में टॉप बॉक्स से पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैंने पेस्ट कर दिया। बस इसके बाद नीचे डन पर क्लिक करना है, और अब हमें इस डेटा को अपने डिजाइन से कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन वाले बॉक्स पर क्लिक करके 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, और फिर कनेक्ट डेटा, और फिर इसमें हम रिडल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद आंसर वाले बॉक्स में क्लिक करके कनेक्ट डेटा, और इस बार आंसर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ साइड बार में दोनों ऑप्शन में ब्लू वेरीफाइड टिक आ जाए, मतलब डेटा प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। बस इसके बाद कंटिन्यू एंड जनरेट ऑल पेजेस, और अब हो जाएगा मैजिक। तो अब आप ये देख सकते हैं सारे पेजेस हमारे क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन 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 अभी एक काम इसमें बाकी है, वॉइस ओवर भूल गए। अब यहाँ पर आपको 11 लैब्स वाला वॉइस ओवर फाइल यहाँ पर अपलोड करना है, और फिर उसके बाद कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाना है, बिल्कुल शुरू में, और अब वॉइस ओवर भी ऐड कर लेना है।
अब अगर वॉइस ओवर को वीडियो के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो तो यहाँ पर आप स्प्लिट वाला ऑप्शन यूज करके वॉइस ओवर वाली फाइल भी एडजस्ट कर सकते हैं और वॉइस ओवर वीडियो के साथ सिंक भी हो जाएगा। चलिए तो अब ये वीडियो पूरी तरह रेडी हो चुकी है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर जहाँ चाहे वहाँ पर अपलोड कीजिए। मैं इसे अभी आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो, पूरी एक कार्टून स्टोरी वाली रिडल वीडियो कैसे बनाते हैं, तो कॉमेंट कर देना पार्ट 2। नाउ एंजॉय द वीडियो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाए और अगर वह हमें निगले तो हम मर जाए? पानी। पानी से पैदा होता है, पानी में मर जाता है, भोजन से तो मेरा गहरा नाता है, कौन हूँ मैं? नमक। वो क्या है जो मन में है और दिल में है पर धड़कन में नहीं है? आमिर खान।